नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। पहले पठान और फिर जवान के जरिए शाहरुख खान ने ये साबित कर दिया है कि वे बॉलीवुड के किंग हैं। और जी हां, उन्हीं जगह जो है कोई नहीं ले सकता। 7 सितंबर को रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई कर रही है और इस फिल्म ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 430 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। तो वहीं वर्ल्ड वाइड स्तर पर फिल्म ने 858 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। अब क्रिसमस के मौके पर शाहरुख खान डंकी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर उतरेंगे। जी हां, शाहरुख खान की फिल्म डंकी को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ साथ एक्ट्रेस तापसी पन्नू जो है वो लीड रोल में नजर आने वाली है। अब हाल ही में जवान के डायरेक्टर एटली कुमार ने डंकी को लेकर रिएक्ट किया है। जी हाँ, एक मीडिया को इंटरव्यू दिया है उन्होंने और जवान के डायरेक्टर एटली कुमार ने कहा है, डंकी पठान और जवान दोनों के रिकॉर्ड तोड़ेगी। उन्होंने कहा, जाहिर तौर पर डंकी जवान और पठान दोनों का रिकॉर्ड तोड़ देगी और वहीं जो है ऐसा ही होना चाहिए। जी हाँ, हमें हर फिल्म के साथ अपने शिखर तक पहुंचना चाहिए। अब मुझे अपनी अगली फिल्म के साथ जवान को पार करना है। मैं खान सर के साथ के लिए ये वास्तव में खुश हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी एक साल में 1000 करोड़ी फिल्में दी होंगी। मैं भी उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और उन्हें शुभकामनाएं दे रहा हूं। आपको बता दें कि शाहरुख खान और तापसी पन्नू स्टारर फिल्म डंकी 22 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर उतरेगी और इस फिल्म को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान साल 2023 में तीसरी फिल्म देने वाले हैं। इस फिल्म का दर्शक बेहद ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आपको बता दें, शाहरुख खान की पहली फिल्म यानी कि पठान जनवरी में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान दीपिका पादुकोण के साथ रोमांस करते हुए नजर आए थे। इसके बाद शाहरुख खान 7 सितंबर को जवान के जरिए बड़े पर्दे पर उतरे थे। अब देखना होगा कि क्या शाहरुख खान की जवान और पठान का जो रिकॉर्ड है वो डंकी तोड़ पाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस तरह की बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।